इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 23 जून के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इस घटना ने देश की राजनीति के सारे समीकरण बदल डाले थे। देश दुनिया के इतिहास में 23 जून की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। मराठा शासक पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन आज ही के दिन 1761 में हुआ था। आज ही के दिन 1810 में बॉम्बे के डंकन डॉक का निर्माण पूरा हुआ था। 1868 में आज ही के दिन क्रिस्टोफर एल सोक्स को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला था। कंप्यूटर साइंस के बंदरगाह कहे जाने वाले क्रिस्टेनालिस्ट एलन ट्यूरिंग का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्म आज ही के दिन 1934 में हुआ था। गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री गिजू भाई बदेका का निधन आज ही के दिन 1939 में हुआ था। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन आज ही के दिन 1953 में कश्मीर के एक अस्पताल में हुआ था। आज ही के दिन 1960 में जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1961 में आज ही के दिन आर्कटिक संधि लागू की गई। इस संधि के अनुसार आर्कटिक महाद्वीप का उपयोग केवल वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी राम नरेश सरवन का जन्म आज ही के दिन 1980 में गुयाना में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन आज ही के दिन 1980 में विमान दुर्घटना में हुआ था। आज ही के दिन 1985 में एयर इंडिया का यात्री विमान आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में सभी 329 यात्रियों की जान चली गई थी। 1992 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क के अपराध जगत के सरगना और क्षेत्र के सबसे बड़े माफिया परिवार के प्रमुख गोत्ती को धोखाधड़ी और हत्या के 5 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज ही के दिन 1994 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूरी दी थी। 1994 में आज ही के दिन उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी। वैज्ञानिक डॉक्टर जोनास साल्क ने आज ही के दिन 1995 में दुनिया को अलविदा कहा था। आज ही के दिन 1996 में शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2003 में आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा शुरू किया था। आज ही के दिन 2008 में जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मैक्सिको की टायर कंपनी टोर्नल एवं उसकी सहायक कंपनियों का $270 करोड़ में अधिग्रहण किया गया था। 2013 में आज ही के दिन निक वालेंडा अमेरिका के ग्राउंड कैनियन की पहाड़ी को रस्सी पर चलकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आज ही के दिन 2014 में गुजरात का रानी की वाव और हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 2017 में आज ही के दिन मोहम्मद बिन नायक के बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए थे। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।